हेयर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। आपसे कहा जा रहा है कि सैंपल्स आपके पास 150 हैं, ठीक है, इसके लिए लाइट ए के लिए। तो एक तरफ आपने क्या करना है, लाइट ए को लिख लेना और एक तरफ आपके पास लाइट बी आ जाएगी। लाइट ए जो है वो लाइट ब्रांड ए के नाम से रिप्रेजेंट की जा रही है, जिसमें 150 सैंपल्स दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट साथ ही 2 के लिए बता रहा है कि जी 200 सैंपल हैं। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है सैंपल ऑफ 200 ब्रांड इज थिस। इसके साथ ही उसने स्टैंडर्वेशन भी दे दी है आपको, कितनी है जी 120। इसकी स्टैंडर्वेशन दी जा रही है आपको क्वेश्चन में 80। मीन आपसे कहा जा रहा है पहला सैंपल तो था 1400 था, दूसरा सैंपल कितना लिया है 1200। सिंपल आपने 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जो है इन दोनों का जो है वो डिफरेंस चेक कर लेना है। 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब 1 माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा आपके पास, ये 1 माइनस 95% मैं करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5%। 5% को 5 को डिवाइड बाय 100 तो मतलब 0.05। जी एज इज अल्फ़ा ओवर 2, जी अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 डिवाइड बाय 2, वैल्यू इज 0.025, ठीक है। और इसी को अगर मैं फर्दर जो है वो डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी, टेबल में से अगर मैं इसकी वैल्यू देख लेती हूँ तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1.96 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। बाकी सारा डाटा आपके पास ऊपर गिवन था। X1 कितना है जी 1400, X2 कितना है 1200। इसी तरह यहाँ पे इसका डाटा पुट कर देंगे, डाटा पुट करके सिंपल जो है आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके इसको जो है फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट वन इज़ 11.314, उसको मल्टीप्लाई कर दें 1.96 के साथ। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 22.175 और यहाँ पे आ जाएगा जी 200। एक दफ़ा इसको प्लस कर देंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे। माइनस करके आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी और प्लस करके आपके पास आ जाएगा 222.175। ये था 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। अब हमने करना है जी 99 कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। सेम क्वेश्चन वही रहेगा, जस्ट आपने करना क्या, 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा मतलब 1 माइनस 99% इक्वल्स टू 1%, डिवाइड करेंगे तो 0.01। जी इक्वल्स टू अल्फा ओवर 2, 0.01 डिवाइडेड बाय 2, जी इक्वल्स टू 0.005। टेबल में से आप इसकी वैल्यू देख लेंगे, टेबल 10A में से वैल्यू देखनी है आपने, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 2.58। बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, जस्ट आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी आपके पास 2.58 एज इट इज़। जैसे पहले आपने एलसीएम लिया था जो उसको सॉल्व करके आया था, वही सब चीज़ें जो है आपने दोबारा जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते जाना है। इस पूरी को सॉल्व करके अंडर रूट लेंगे तो 11.314, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2.58 के साथ, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 29.190। 1400 में से 1200 माइनस करेंगे तो 200। एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या कर दें माइनस, और एक दफ़ा आपने इन दोनों वैल्यूज़ को कर देना है जी प्लस। प्लस करके वैल्यू आ जाएगी 229.190 और माइनस करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 170.810। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, आपके पास 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स दिए हुए हैं, जिसका जो है वो कहता है ईच ऑफ साइज 100, मतलब दोनों का जो साइज़ है एंड कितना है 100। उसके बाद वो आपसे कह रहा है जी X1 4.8 है, स्टैंडर्वेशन 1 के लिए 6.864 है। इसी तरह ये दोनों वैल्यूज़ देख के वो आपसे कहता है 95% पर जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो फाइंड करें। सिंपल आपने करना कि सबसे पहले 95 1 माइनस अल्फा करेंगे तो 95 आ गया आपके पास 95%। 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.05। जी का देखिए फॉर्मूले में क्या होता है, अल्फ़ा डिवाइड बाय 2, तो मतलब अल्फ़ा डिवाइड बाय 2 करेंगे, अल्फ़ा कितना निकला था 0.05, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.005। टेबल 10A में से जो है आपने इसकी वैल्यू देख लेनी है, आपको वैल्यू देखना बिल्कुल स्टार्ट में बता दिया गया था, वैल्यू देख लेनी है आपने 1.96 वैल्यू आ जाएगी। सिंपल आपने क्या करना है इन सब वैल्यूज़ को वन बाय वन यहाँ पुट करते जाना है। X1 कितना है जी आपके पास, सॉरी X1 में से X2 माइनस करेंगे, वैल्यू आपके पास आती जाएगी 5.6 माइनस X2 में से X1 माइनस करेंगे, ठीक है 4.8 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करके आया 1.96 अंडर रूट एज इट इज़। S1 कितना है जी 8.64, डिवाइड कर दें इसको 100 से,
इसको भी 100 से डिवाइड कर दें, एस टू कितना आपके पास 7, दोनों को पहले आप लेंगे प्लस करेंगे अंडर सॉल्व करने के लिए। एलसीएम ले लें पहले, दोनों को आपने एलसीएम लेंगे 100 आ जाएगा नीचे, 7 + 8.64 करके डिवाइड करके अंडर रूट लेंगे, इसको सॉल्व करने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.395। उस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1.96 के साथ, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी 0.775। यहाँ से 5.6 में से 4.8 माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा 0.8। अब आपके पास ये देखें, आपने एब्सोल्यूट क्वेश्चंस भी किए होंगे 9th क्लास में, उसमें क्या करते थे, एक दफ़ा प्लस माइनस के साथ वैल्यू और एक दफ़ा क्या करनी है प्लस के साथ वैल्यू। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.025, और इसी तरह अगर प्लस के साथ करेंगे तो 1.175। क्वेश्चन नंबर 4 ए में आपसे तीन चीज़ें रिक्वायरमेंट कर रहा है, वो आपसे कह रहा है कि जिसने मेन भी आपको बता दिया दोनों का, मेल का फीमेल का, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स भी बता दिए और इसी तरह आपके पास लैंड डिवीजन भी बता दिया। आपसे फर्स्ट स्टेप में वो कह रहा थी मेन एज ऑफ ऑल मेल ऑपरेटिव्स। सबसे पहले आपने मेल की जो है वो एवरेज फाइंड कर लेनी है, उसके लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% ले रहा है, सिंपल 1 में से 95% माइनस करेंगे तो 0.05 को 2 से डिवाइड कर देंगे और टेबल में से वैल्यू देख लेंगे, टेबल 10 ए में से, तो 1.96 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सिंपल आप पुट करते जाएंगे, एक्स वन कितना है जी 33.93 प्लस माइनस एज इट इज़, इसको सॉल्व करने से वैल्यू आई आपके पास 1.96। एन कितना है आपके पास, एन वन। अब आपने सारा डाटा वन के लिए देखना है क्योंकि वन के लिए आप कंप्यूट कर रहे हैं, वन कौन था मेल आपके पास, ठीक है 1720 ऊपर आ जाएगा जी 14.20 को डिवाइड करेंगे अंडर रूट 1720 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1. अगर आपको सेकंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए जिसमें आपको चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, आपको पता है कि 2021 में बच्चों जो आपके एग्जाम्स होने हैं ना उसमें चैप्टर नंबर 17 आपकी स्टैट्स की बुक में इंक्लूड ही नहीं है। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ चैप्टर नंबर 10 में बच्चों आपको टिप्स एंड ट्रिक मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, एग्जांपल्स मिलेंगी, एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 के, इसके अलावा आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, एक एक डेफिनेशन डिटेल के साथ समझाई जाएगी, इसके अलावा एग्जांपल्स की वीडियो आपको मिलेगी, इसके बाद 10.1 की आपको एक्सरसाइजेस सोल्व मिलेंगी, 10.1 सोल्व मिलेगी, 10.2 है, 10.3 है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको डेफिनेशंस की फॉर्म में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 11 में बच्चों आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज़ मिलेंगे, डेफिनेशंस मिलेंगे, एग्जांपल्स मिलेंगे, 11.1 सोल्व मिलेगी, 11.2 भी सोल्व मिलेगी, 11.3 है, 4 है, 5 है एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 आपको बच्चों सारा कुछ मिलेगा, टिप्स एंड ट्रिक हैं, एमसीक्यूज़ हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, 12.1 से लेकर 12.6 तक आपको सारा कुछ सोल्व मिलेगा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपको चैप्टर 13 है, चैप्टर 14 है, 15 है, 16 में आपको टिप्स एंड ट्रिक, 16 वाला चैप्टर में आपको दिखा भी देता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में, हर एक चैप्टर जो आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेगा, एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, इसके अलावा आपको एग्जांपल्स की वीडियोस मिलेंगी, इसके अलावा आपको 16.1 सोल्व वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेंगे, इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं कि ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करके जाने हैं। अगर बच्चों आपको चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए, नो एकेडमी नो स्टैट्स ट्यूटर प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स सेकेंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इन ओनली 999 रुपीज। जी हाँ, 999 रुपीज में सेकेंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स आपको मिलेगा। अभी इसी नंबर 03234516277 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें, जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे। इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह।